दोस्तों, आज मैं श्री सिद्धनी साईं बाबा संस्थान मौली हॉल पटना में उपस्थित हुआ हूँ। उपस्थिति का श्रेय हमारे मित्र अनिल कुमार गौतम जी को जाता है। और ये रेलवे लाइन के बगल का गया लाइन है और मैं इसी जानिब से पटना से आया हूँ। शिरडी में खंडोबा मंदिर है। खंडोबा मंदिर में ही बाबा सर्वप्रथम अपने जीवन काल में आए थे, एक नीम वृक्ष के नीचे जी उन लोगों को अवतरित हुए नजर आए, साधना में लगे हुए थे। बाबा ने अपने जीवन का कुछ समय खंडोबा मंदिर में गुजारा और वहीं पर उनका नामकरण साईं पड़ा जी। खंडोबा मंदिर का जो मुख्य पुजारी हुए महालसापति जी, जब बाबा एक बारात में आए थे और बैलगाड़ी से उतर रहे थे, उसी समय महालसापति उनको बोलते हैं आओ साईं, आओ साईं। और यही बाबा का जीवन में नाम जुट गया उनके साथ और धीरे धीरे बाबा ने सीधे में उड़ाना शुरू कर दिया। ये बात है 1954 की और इसी आधार पर उनका बाबा का जन्म को देखा गया तो 1938 के आसपास हुआ है। ये साई सच्चरित ग्रंथ में लिखी गई है। 16 साल की अवस्था में वो सीडी में एक नीम ब्रिज के नीचे अवतरित हुए थे, लोगों ने उनको देखा था जी। धीरे धीरे बाबा अपने जीवन का 60 वर्ष सीडी में गुजारे। खंडोबा मंदिर के बाद बाबा द्वारका माई मस्जिद को अपना शरण स्थल बनाए और वहीं पे बाबा अपने भक्तों को शिक्षा देते थे। सरदार सबूरी का मंत्र का वो सदुपयोग और उसकी महत्ता को बतलाते थे। बाबा वहां धुनी जलाया करते थे, उस धुनी को महा औषधि के रूप में लोगों को दिया करते थे जिससे लोगों को काफी लाभ होती थी। जब बाबा का जीवन काल समाप्त हुआ तो समाधि मंदिर में उनके अस्थि को रखा गया, उनके देह को रखा गया और बाबा बोले कि यहीं से मेरी अस्थि जो है लोगों को उनकी दुख को सुनेगी, उनके दुख को समाप्त करेगी, उनको पीड़ा को हरेगी। मतलब कहने का था कि बाबा अपने भक्तों की सारी बातों को वहीं से सुनना शुरू कर दिए समाधि मंदिर से। लेंडीबाग हुआ बाबा का। इस तरह से ये सीडी के बारे में हम आपको चर्चा कर रहे हैं। पटना में उसी तरह से बाबा ने प्रेरणा देकर राम गोविंद सिंह मौली हॉल्ट के पास साईं धाम मौली करकर बनाए हैं। यहाँ भी सर्वप्रथम खंडोबा मंदिर ही बना। तो बहुत से यहाँ के लोग पूछते थे कि ये खंडोबा भगवान कौन है, तो खंडोबा भगवान बाबा ये महाराष्ट्र के कुल देवता हुए, कुल देवता हुए, उनको महाराष्ट्र के कुल देवता है। और महाराष्ट्र में सभी जगह खंडोबा मंदिर बनी हुई है कुल देवता के कारण। और बाबा जब प्रथम भिक्षुक स्वरूप में शिरडी में आए और जब बाबा नहीं शरीर में रहे तो वही बाबा खंडोबा बाबा और बाबा का भिक्षुक स्वरूप आज भी शिरडी खंडोबा मंदिर में है। यहाँ भी उसी तर्ज पे बनाया गया है खंडोबा मंदिर को। यहाँ पे खंडोबा मंदिर 2007 में बाबा का एक भक्त हुए कपिलदेव बाबा हुए, उन्होंने ही कहा कि हुजूर बाबा बोल रहे हैं कि मेरा एक धाम वहां पे जाके भूमि पूजन करो। श्रीमती तारा सिन्हा जो पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं, उन्होंने ये बाबा को एक जमीन डोनेट की है। उसके बाद बाबा ने एक भक्त कपिलदेव बाबा को बोले कि जाओ मेरी जमीन पे भूमि पूजन करो। और यह 16 जनवरी 2007 की बात है और यहाँ पे भूमि पूजन 18 जनवरी 2007 को हुई थी। मकराना का ये मकराना से बने हुई स्वरूप है और इस समय 5 फीट 4 इंच का। यहाँ पे जो भी स्वरूप बना हुआ है वो आपका 9 अंक में है। सबसे प्रथम खंडोबा मंदिर भी बना था जिसमें कि खंडोबा भगवान विराज रहे हैं
और बाबा का भिक्षु स्वरूप बगल में है, जो बाबा घर घर जाकर माई रोटी जो भिक्षा मांगा करते थे यह स्वरूप सबसे प्रथम यही मंदिर बना था धाम का। इसके बाद धीरे धीरे विस्तार करता चला गया। ठीक है, संजी जी आप बताइए जी, ये बाबा का भिक्षु स्वरूप है और ये स्वरूप इतनी जागृत है कि यहाँ आने वाले जो भक्त हैं इनकी मनोकामना ऐसे पूर्ण होती है जैसे उसमें साक्षात बाबा सुन रहे हैं। चलिए अनिल जी आप बताइए, बाबा का भिक्षु स्वरूप की माता की जो बात हुई, जो यही बाबा है जो धाम बनाने की प्रेरणा दिए है जी। और बाबा का यह मूल स्वरूप भिक्षु स्वरूप है, आप देखिएगा सीधा नहीं देख रहे हैं, सबका मालिक एक जो है वो वाला स्वरूप बाबा के है। जब शिरडी में आए थे और बाबा सबका मालिक एक बोलते थे और ऊपर देखते थे, वही स्वरूप ये है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ मौली साई धाम पे जो भंडारा की तैयारी चल रही है, ये भंडारा भी अद्भुत है, अपने आप में एक मायने रखता है कि ये लोगों के सहयोग से भंडारा यहाँ पे चलती है और काफी लोग यहाँ लाभ लेते हैं और दूर दराज से लोग आकर के भंडारा का प्रसाद खाते हैं। और आज तो गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन चल रही है, आने वाले इसके बाद आरती प्रोग्राम होती है जिसमें विजयदशमी है, फर्स्ट जनवरी है, इसी तरह से भंडारा लगातार चलते रहती है। प्रसाद स्टॉल है, यहाँ से लोग अपने स्वेच्छा से लोग प्रसाद लेते हैं और बाबा को फूल अर्पित करते हैं, प्रसाद है। प्रत्येक बृहस्पति से जो भंडारा चलता है जी, ये लोग के द्वारा ही सब तैयार होती है। ये आपके वो श्रद्धालु है जी, जी। जो सेवक के भंडारा बनाने में सेवक सहयोग सेवक के रूप में, पहले श्रद्धालु होता है तब सेवक होता है, श्रद्धा होगी तब सेवा भाव। भोलेनाथ जी है, जब से यहाँ मंदिर बना लंगर का हुआ प्रसाद वितरण होता है भोग यही बनाते हैं जी। बहुत अच्छा लगा ये आपका भंडारा देखकर। साई धाम मौली राम गोविंद सिंह हॉल पे द्वारका में मस्जिद बनाई गई है, यह 1916 का तस्वीर है। बाबा जब द्वारका में मस्जिद से निकला करते थे और मेहंदी बाग में जब जाते थे तब बाबा का तीन भक्त कम से कम साथ में रहते थे। एक चावड़ी है, बाबा अपने जीवन काल में एक रात द्वारका में मस्जिद में सोते थे सर और एक रात चावड़ी में सोते थे जी। सीढ़ी में बाबा जब आए थे तो नीम ब्रिज के नीचे ही वो लोगों को प्रथम बार दर्शन दिए थे और उसी भाव से लगाया गया है कि बाबा यहाँ भी इस पत्ती को, जो नीम के पत्ती जो तिक्त होती है उसको मिठास देकर अपनी उपस्थिति का हम लोग को आभास दे और इस नीम ब्रिज के नीचे से हम लोग सभी भक्तों का कल्याण और उद्धार करते रहे। शिरडी में जब बाबा अपना शरीर त्यागने के बाद शिरडी में उनका समाधि बनाया गया, उसी तरह से यहाँ भी बाबा का समाधि बनाया गया है। यह बाबा का समाधि मंदिर का स्वरूप है, समाधि लेने के बाद बाबा का समाधि बना दिया गया, उनका उनकी प्रतिमा ऊपर में कायम कर दिया गया है जी। अनिल कुमार गौतम जी, सभी साई भक्तों का आप संक्षिप्त परिचय करा दें। अभूखंड श्रीमती तारा सिन्हा पटना उच्च न्यायालय अधिवक्ता के द्वारा दी गई है। आज यह जन जन तक बाबा पहुंचने का एक माध्यम बने हैं साई धाम मौली। साथ में हमारे खड़े हैं शशिधर सिंह जी, इनके द्वारा गोविंद रोड चौराहा से प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को रात 1:08 पर गंगा जल लेकर चलते हैं और पैदल चलते हुए यहाँ आते हैं। सुबह उस गंगा जल से बाबा का जलाभिषेक किया जाता है। यह परंपरा लगभग 10-12 वर्षों से चली आ रही है। कुमार जी हैं, ये बाबा का सबसे पहले जो साई रथ आई थी, साई रथ चलाकर इन्होंने प्रथम बार साई धाम मौली में साई रथ को लेकर आए थे। साथ में अविनाश बाबू हैं, साथ में गायत्री बहन है। गायत्री बहन को यहाँ के बारे में काफी अनुभूति है। कम है मस्जिद में शिलाखंड देखे हैं,
इन्हीं के दामाद के द्वारा जो DRM है वो शिरडी से वो शिलाखंड मंगवाए थे, इनका इन्हीं को पूरा योगदान दिया जाता है उसके लिए। राजेश कुमार चौधरी जी हैं, बाबा ने विशेष कर दूत के रूप में इनको रखा है और आज तक मौन रहते हैं और मौन रहकर ही अपने भक्ति को सकारात्मक रूप दिया करते हैं। और बाबा आज यहाँ पर जागृत रहकर सभी भक्तों को उद्धार और कल्याण कर रहे हैं। आसपास के गांव वाले लोग आकर यहाँ पे पूरी सब्जी और खीर खाते रहते हैं, जो घर में सौभाग्य नहीं बनता है बाबा यहाँ पे उस सौभाग्य उन लोग भक्तों को दिया करते हैं। कौन आप की बातें सुनकर बहुत प्रसन्नता मिली, आप दो शब्द कहें। बाबा की प्रेरणा हमेशा मिला करती है, कभी कभी कुछ कुछ कह देते हैं, बैठे बैठे हैं अचानक बोले बाबा कि चलो शशि तुम जल यात्रा शुरू करो, हमको गंगा जल से स्नान कराओ। हम उठे, पत्नी को बोले, पहले साल से शुरू कर दिए और आज हमको लगता है कि हम लोग 15-16 साल कंप्लीट हो गया हम लोगों का इस जल यात्रा का। ओम साई राम, यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को ओम साई राम। बाबा की महिमा और बाबा की कृपा गाने से और कहने से कभी अंत होने वाली नहीं है। बाबा की कृपा ऐसी है जिसे कि जो अनुभव किया है वही बता सकता है कि बाबा क्या है और कैसे हैं। बाबा ने जो ये बात कही है कि मैं अपने चित्र में निवास करता हूँ, उसकी प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूँ, मैंने देखा है बाबा को। तो आप जो हैं इनके पुत्र हैं, मेरा ये मानना है कि आपका सौभाग्य है कि आप इनके पुत्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल, माँ किसी की भी माँ हो वो सर्वश्रेष्ठ होती है। बिल्कुल, इस्लाम धर्म में तो कहा गया है कि माँ के चरणों में जन्नत है। अब बाप को बनाया गया द्वार, जन्नत मिलेगी लेकिन द्वार भी पार करना होगा, इसलिए वृद्ध माता पिता के लिए कहा गया है कि उनकी सेवा करके जन्नत कमा सकते हो, स्वर्ग प्राप्त कर सकते हो माता पिता के सेवा से। इसीलिए आपने देखा होगा कि मुसलमानों के लिए ओल्ड एज होम नहीं है, लेकिन वो इतने दुस्साहस कोई मुसलमान नहीं कर सकता है कि जो ओल्ड एज होम में अपने माता पिता को भेजे। तो धन्य हैं आप जो ऐसी दानी माता के गर्भ से जन्म लिया है। मेरी माँ प्रथम यहाँ भक्त थी और माँ के द्वारा ही हम यहाँ भक्त बने और जब से बोरिंग रोड से जब से बना हूँ तब से बाबा की कृपा। डॉक्टर साहिद जमील साहब, आप आए साई धाम का मान को बढ़ाए, आप सभी भक्तों को सभी भक्तों का अनुभव लिए, अनुभूतों के लिए, यहाँ के इतिहास के लिए और यह इस वीडियो के माध्यम से कई भक्तों को यह प्रेरणा का स्रोत यह वीडियो बनेगा, इसके लिए हृदय से हम आपको आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आप आते रहिए, साई भक्तों के मनोबल को बढ़ाते रहिए, साई भक्तों तक यहाँ के कार्यक्रम को बतलाते रहिए, बाबा की अनुभूति को विस्तार देते रहिए, यही हम आपसे अपेक्षा करते हैं।